आज मैं इस डिज़ाइन को बनाना बता रही हूँ। इस डिज़ाइन से आप सिर्फ बॉर्डर भी बना सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर में डाल सकते हैं, या फिर इससे पूरा स्वेटर भी बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी इसे डाल सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 15 के मल्टीपल में इसमें फंदा लेना है और एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा लेना है, तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। चलिए बताती हूँ कि यह डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो इस डिज़ाइन में मैं 31 फंदा डाली हुई हूँ, 15 के मल्टीपल में 30 फंदा, और प्लस एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा ली हुई हूँ। तो बता, चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिज़ाइन को। सबसे पहले क्या करना है इसमें, इस डिज़ाइन में सबसे पहले एक फंदा इसमें सीधा लेना है, पहला फंदा जो है इसमें है एक सीधा बुनाएगा, उसके बाद धागा को आगे करना है ऐसे, और इसके बाद एक फंदा यहाँ पे ऐसे इस तरह से सीधा बुनना है, और उसके बाद चार फंदा उल्टा बुनना है। एक, दो, तीन और ये चार फंदा इसमें उल्टा बनेगा। फिर दो फंदा एक साथ लेना है ऐसे, और दो का एक करना है ऐसे, फिर से दो फंदा लेना है और दो का एक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे चार फंदा उल्टा बनेगा, एक, दो, तीन, चार, और इसके बाद धागा पीछे करना है और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा। इसी चीज इतना ही एक फंदा यहाँ पे सीधा बना लिया। अब धागा को अपनी साइड करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर से धागा को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, दो बार हो गया ये बीच में। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से धागा को अपने साइड करना है और चार फंदा यहाँ पे उल्टा बनेगा, एक, दो, तीन, चार। चार फंदा उल्टा बनाने के बाद दो का एक करना है ये एक बार, फिर से दो का एक करना है एक बार इस तरह से, फिर चार फंदा उल्टा बनेगा ऐसे, चार फंदा उल्टा बनेगा और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाना है, और इसके बाद धागा को अपने साइड करके एक फंदा फिर सीधा बनेगा। ये फर्स्ट रो में इस तरह से करना है। बैक साइड से यहाँ पे हर बार सिलाई में उल्टा बनेगा, बैक साइड पूरा उल्टा बनाना है इस तरह से, बैक साइड पूरा उल्टा बनेगा। बैक साइड पूरा मैं उल्टा बना ले रही हूँ, तो इस तरह से बैक साइड से मैं पूरा उल्टा बना ली हूँ। इस डिज़ाइन में क्या है, जित सेकेंड रो, फोर्थ रो, सिक्स्थ रो, एट रो और टेंथ रो उल्टा बनेगा पीछे साइड से, यानी कि पीछे साइड से पूरा उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे थर्ड रो में मैं आ चुकी हूँ। थर्ड रो में क्या करना है, पहला फंदा तो सीधा बनेगा, एक फंदा सीधा बनाना है ऐसे, और धागा को अपनी साइड करना है और दो फंदा फिर सीधा बनेगा इस तरह से। थर्ड रो में करना है दो फंदा सीधा बनाना है, फिर तीन फंदा उल्टा बनेगा, एक, दो और ये तीन फंदा उल्टा बनेगा, फिर दो का एक करना है इस तरह से, दो फंदा का एक फंदा बनाना है उल्टा से ऐसे ही, और फिर से दो दो फंदा का एक फंदा बनाना है, फिर तीन फंदा इसके बाद उल्टा बनेगा, एक, दो और तीन, तीन फंदा यहाँ पे उल्टा बनने के बाद फिर से धागा पीछे करना है और दो फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा, एक और ये दो, दो फंदा सीधा बनेगा। इसके बाद धागा को अपने साइड करना और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाना है इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक जो बनाए हैं इसी को ही रिपीट करते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे धागा अपने साइड करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे,
एक बार और एक फंदा सीधा बनाएंगे। दो बार सीधा बन गया, यहाँ से फिर से दो बार सीधा, जैसे यहाँ पे दो बार सीधा बनाया है धागा अपनी साइड करने के बाद दो सीधा, उसी तरह से यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, दो सीधा हो गया और तीन फंदा यहाँ पे उल्टा बनेगा, एक दो और तीन फंदा उल्टा बनेगा, फिर दो फंदा का एक फंदा होगा इस तरह से, फिर से दो फंदा का एक फंदा बनेगा ऐसे, और फिर तीन फंदा उल्टा बनेगा ऐसे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे और धागा को अपने साइड करके एक फंदा सीधा बनेगा ऐसे, और फिर बैक साइड से पूरा उल्टा बनेगा, बैक साइड से पूरा उल्टा बनेगा, ये फोर्थ रो हो गया, फोर्थ रो पूरा उल्टा बनेगा, सिक्स्थ रो भी उल्टा बनेगा, बैक साइड से हर बार उल्टा बनाना है, सारा फंदा उल्टा बुनाएगा बैक साइड से, तो बैक साइड से मैं पूरा उल्टा बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से फिफ्थ रो में आ चुकी हूँ। फिफ्थ रो में क्या करना है, पहला फंदा यहाँ पे सीधा बनाना है ऐसे, और धागा को अपने साइड करना है। अब इस बार क्या करना है, तीन फंदा सीधा बनेगा, एक दो और तीन, तीन फंदा सीधा बनाने के बाद दो बार उल्टा बनेगा, ये एक और दो फंदा उल्टा बना, फिर दो फंदा का एक फंदा बनाना है इस तरह से, दो फंदा का एक फंदा, फिर से दो फंदा का एक फंदा बनाना है, फिर उसके बाद दो बार उल्टा बनेगा, एक और ये दो, उल्टा बन गया, फिर धागा पीछे जाएगा फिर से यहाँ पे, और एक दो और तीन सीधा बनेगा, तीन फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा, धागा को अपने साइड करना है। अब यहाँ से रिपीट होगा, डिजाइन था एक फंदा सीधा हो गया इस तरह से, धागा अपने साइड करके एक फंदा सीधा कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से डिजाइन रिपीट होगा, कैसे रिपीट होगा, यहाँ से धागा अपने साइड करेंगे जैसे यहाँ से बताए हैं, धागा अपने साइड करने के बाद तीन फंदा सीधा, उसी तरह से यहाँ पे, यहाँ से फिर से डिजाइन रिपीट होगा, यहाँ तक ये इसी चीज़ को रिपीट करना है, धागा अपने साइड करके तीन फंदा, एक दो तीन फंदा सीधा बनेगा, फिर धागा इधर इधर करेंगे उल्टा करेंगे, दो फंदा उल्टा बनेगा, एक दो उल्टा बनेगा, फिर दो का एक बनेगा दो बार, एक बार और एक बार, दो बार ऐसे बना दो का एक, फिर दो फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और एक दो और तीन फंदा सीधा बनाएंगे, और धागा को अपने साइड करके एक फंदा सीधा बनेगा, बैक साइड से सिक्स थ्रो पूरा उल्टा बनेगा, तो बैक साइड से पूरा उल्टा मैं बना ले रही हूँ। अब सेवन्थ रो में आ चुकी हूँ। सेवन्थ रो में फिर से क्या करना है, पहला फंदा सीधा बनेगा ऐसे, फिर धागा को अपने साइड करना है और चार फंदा सीधा बनेगा, एक दो तीन और ये चार, चार फंदा सीधा बनेगा, उसके बाद एक फंदा यहाँ पे धागा अपने साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेगा और दो फंदा का एक फंदा दो बार करना है, एक बार हो गया, फिर से दो फंदा का एक फंदा एक बार हो गया, दो बार इस तरह से हो गया, दो फंदा का एक फंदा, फिर एक उल्टा यहाँ के बाद, फिर धागा पीछे करेंगे और चार फंदा सीधा बनेगा, एक दो तीन चार, फिर धागा अपनी साइड करके एक फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा, इतना ही इसी डिजाइन को फिर से रिपीट होगा, धागा अपने साइड करेंगे और यहाँ से चार फंदा जो यहाँ पर किए हैं स्टार्ट वही कर रहे हैं, एक दो तीन चार, और धागा अपनी साइड करेंगे, एक उल्टा बनेगा, फिर दो का एक बनाना है, दो फंदा का एक फंदा उल्टा,
फिर से दो फंदा का एक फंदा उल्टा दो बार, इस तरह से दो बार हो गया, दो फंदा का एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा इस तरह से। अब इसके बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे चार फंदा सीधा बनेगा, एक दो तीन और ये चार फंदा सीधा, फिर धागा अपने साइड करेंगे और एक फंदा सीधा, इस तरह से डिजाइन रिपीट होता जाता है। और इसके बाद बैक साइड से फिर से पूरा उल्टा बनेगा, एट थ्रो पूरा उल्टा बनेगा। तो एट थ्रो मैं पूरा उल्टा बना ले रही हूँ। तो इस तरह से अब नाइन्थ रो में आ गए। नाइन्थ रो में क्या करना है, फिर से नाइन्थ रो में यहाँ पे पहला फंदा तो सीधा बनेगा, ऐसे सीधा बनाना है पहला फंदा, फिर धागा को अपनी साइड करना है ऐसे, और इस बार पांच फंदा सीधा बनेगा। धागा अपनी साइड करने के बाद पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर धागा को अपने साइड करेंगे और दो का एक करेंगे एक बार, फिर से दो का एक करेंगे एक बार इस तरह से, और फिर से धागा पीछे करेंगे और पांच फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर धागा अपने साइड करके एक फंदा सीधा। यहाँ तक इसी को फिर रिपीट करना है। तो फिर से क्या करना है, धागा अपनी साइड करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा अपने साइड करके दो का एक करना है, फिर से एक बार दो का एक करना है और फिर धागा पीछे करना है और पांच फंदा सीधा बनाना है, एक दो तीन चार पांच, और धागा अपने साइड करके एक फंदा सीधा। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक के डिजाइन को ही, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिजाइन को ही रिपीट करते जाएंगे, तो डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से बनता जाएगा। बैक साइड से पूरा 10th रो जो बनेगा वो पूरा उल्टा बनेगा और डिजाइन कंप्लीट हो जाता है 10th रो में। मैं 10th रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ उल्टा बना के। तो इस तरह से डिजाइन बन के तैयार होगा, ये दूसरी बार डिजाइन बन गया। मैं फर्स्ट रो को एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि कैसे बनाना है, ऐसे इस तरह से पूरे स्वेटर में ये डालता जाएगा डिजाइन, या फिर सिर्फ बॉर्डर में डाल सकते हैं इस डिजाइन को, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर में। तो चलिए बताती हूँ, एक बार फर्स्ट रो को फिर से बता दे रही हूँ कैसे बनेगा। फर्स्ट रो जब बनाएंगे स्टार्ट करेंगे तो पहला फंदा इसमें सीधा बनाएंगे ऐसे, एक फंदा सीधा लेंगे ऐसे, और फिर ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाएंगे ऐसे। और इसके बाद क्या करना है, धागा को अपने साइड करना है और इसके बाद चार फंदा उल्टा बनेगा, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा बनाने के बाद क्या करना है, दो का एक करना है ऐसे, ये एक बार दो का एक करना है और इस तरह से दो बार करना है दो का एक इस तरह से, और फिर से चार फंदा उल्टा बनेगा, एक दो तीन चार और एक, चार उल्टा बनाने के बाद एक फंदा सीधा बनाना है और इसके बाद धागा को अपने साइड करना है और एक सीधा बनाना है इस तरह से, धागा को अपने साइड करना है एक सीधा बनाना है। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट किए धागा को अपने साइड करके एक सीधा, उसी तरह से अब यहाँ आ गया। फिर यहाँ से अब क्या करना है, एक सीधा, अब इसके बाद से यहाँ से डिजाइन को रिपीट करना है एक सीधा बनाने के बाद से। तो इसके बाद पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एक सीधा बनाया है डिजाइन का, स्टार्ट किए हैं धागा अपने साइड करके, तो यहाँ से अब डिजाइन रिपीट होगा, एक सीधा बनेगा धागा अपने साइड करके,
और फिर उसके बाद चार उल्टा बनेगा, एक दो तीन चार उल्टा बनेगा, फिर दो का एक दो बार करना है इस तरह से, एक बार दो बार, फिर से चार उल्टा बनेगा, एक दो तीन चार, धागा पीछे करना है, एक सीधा बनाना है ऐसे, और धागा को अपने साइड करके एक ऐसे सीधा बनाना है। तो इसी तरह से डिजाइन को आगे रिपीट करते चले जाना है। फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जैसे यहाँ से बनाए हैं धागा अपने साइड करके, फिर इसके बाद धागा अपने साइड करके एक सीधा, और फिर चार उल्टा, फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर चार उल्टा, फिर एक सीधा। इसी तरह से डिजाइन आगे रिपीट होता चला जाएगा।